वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो डिपार्चर हो चुका अपनी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। देख लीजिए अगले बात का भाई, स्पीड देख लो भाई पूरे 128 बढ़िया। बाकी मनु भी अच्छा लगा मिलकर। कोइलवर ब्रिज ऑटोमेटिक डोर सिस्टम इज क्लोज, डिपार्चर से पहले अपनी देख लीजिए। अंकित कुमार आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इनॉग्रल जर्नी में। फिलहाल मैं उस वक्त बिहार की राजधानी अपनी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन, और आज हमारी यहां से इंडियन रेलवे के द्वारा आज पहली पटना की तीसरी वंदे भारत जो है ना वो इनॉग्रल होने जा रही है अपनी पटना से वाया अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि होते हुए अपनी लखनऊ के गोमती नगर के बीच। चलिए चलते हैं पटना के प्लेटफॉर्म पर, फिर आपसे बात करती है दोस्तों अपनी बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बाहर से क्या खूबसूरत सा जो है ना वो बनाया गया और ऊपर अपनी देश का नेशनल फ्लैग लहराता हुआ। और यहाँ जर्नी कंटिन्यू करने से पहले महावीर मंदिर पटना का प्राचीन यहाँ दर्शन कर लीजिए। प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले देख लीजिए क्या अपनी प्लेटफॉर्म एक पे अपनी पटना जंक्शन को जो है वो डेकोरेट की गई अपनी इस, और भाई चारों तरफ डेकोरेटिंग देखो क्या लगा है, और सिक्योरिटी देखो भाई अपनी इस वंदे भारत के इनॉग्रल जर्नी के लिए। और चलिए चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, और जैसे भाई दिल्ली की देखना तो भाई हमारे रेलवे स्टाफ यहाँ पे, और सामने अपनी वंदे भारत है वो, और सामने स्टेज वगैरह, और यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। ये है दोस्तों C3, और आज हम लोग का जो कोच है वो दिया गया है C3 के अंदर सभी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर। और भाई जैसे इंडिकेट किया तो आपको पता है दो वाशरूम मिलेगा, और यहाँ पे जैसे इंडिकेट किया इस गेट पे एक CCTV कैमरा और एक CCTV कैमरा और एक यहाँ पे, और ये जैसे इंटर कीजिएगा तो भाई यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम दिया गया है भाई। और ये है अपनी ऐसी चेयर कार जो कि 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया, और उसके बाकी ऊपर लगेज एक्सेस दिया जाता है, और वहाँ पे अपनी स्पीड और वहाँ पे डिस्प्ले पे शो करता है, वहाँ पे डिस्प्ले दिया जाता है। और ये है टच लाइट, जैसे इसको ऐसे दबाइएगा इसको ऐसे बंद हो जाएगा, इसको फिर ऐसे कीजिए जल जाएगा अपना, ऑटोमेटिक दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे PM सर जो है ना वो हरी झंडी दिखा रहे हैं अपनी, और आज का हम लोग का जो है ट्रेन पटना गोमती नगर। और साथ ही साथ मैं अंकित कुमार आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। कुछ शब्दों में आज हमारे सभी श्रोतागणों को संबोधित करें, और आप लोग जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। बाकी जो अपनी जो वंदे भारत है ना उसको एक साथ 14 वंदे भारत को जो है ना वो इनॉग्रेट की जाएगी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। देख लीजिए यहाँ पे सभी लाइव चल रहा है भाई डिस्प्ले बोर्ड के द्वारा, स्टूडेंट वगैरह दोनों को आया हुआ इससे अपनी वंदे भारत है इनॉग्रेट जर्नी में। देख लीजिए चारों तरफ देखिए अपने स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी सर और यहाँ पे आम पब्लिक को भी जो है वो बुलाएगा अपने पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और दोस्तों अपने बिहार की पटना की तीसरी वंदे भारत है, जो कि पहली चली थी अपनी रांची से अपनी पटना के बीच, और दूसरी अपनी पटना से हावड़ा के बीच, और ये अपनी पटना की तीसरी वंदे भारत है जो कि अपनी इस पटना से लेकर अपनी वाया अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि होते हुए अपनी लखनऊ को कनेक्ट करेगी, लखनऊ का गोमती नगर। और भाई ऑरेंज वंदे भारत अपनी बिहार की पहली, बाकी आज इस ट्रेन का इनॉग्रेशन है, तो चलिए इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वंदे के भारत जैसा इस ट्रेन में भी अपनी स्टूडेंट वगैरह को जो है इस इनॉग्रेशन जर्नी में अपनी वंदे भारत में जो है ना वो बुलाया गया। देख लीजिए सभी स्कूल के पटना के लोकल लोग जो इस ट्रेन के लिए जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं उनको केवल अलाउ किया जाता है इस अपनी वंदे भारत इनॉग्रेशन जर्नी में, बाकी स्टूडेंट भी हम लोग के साथ आज ट्रेवल करेंगे इस अपनी ऑरेंज वंदे भारत के पटना से लखनऊ वाया अयोध्या के रास्ते हुए। हमारे स्काउट के यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह को उसको भी, और बहुत सारे स्कूल के बच्चे लोगों को भी जो है ना बुलाया गया। देख लीजिए हर देख लीजिए सभी स्टूडेंट जा रहे हैं अपने अपने कोच में। दोस्तों बिल्कुल ऑन टाइम जो है ना अपनी गेट लॉक हो गया था, और हम लगे थे भाई बाहर जाके लोको केबिन राइट से जो है ना हम लोग अंदर आए, वरना गेट ऑटोमेटिक डोर सिस्टम बंद हो गया था, फिर फंस गया था भाई। ये है दोस्तों अपनी पटना लखनऊ आया अयोध्या के रास्ते वाली अपनी गोमती नगर क्यों चलने वाली अपनी इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास। देख लीजिए 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट दिया। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन ऑटोमेटिक डोर सिस्टम इज क्लोज, डिपार्चर से पहले अपनी देख लीजिए ये तो भाई लॉक अपनी ऑटोमेटिक। तो फाइनली अपनी ट्रेन जो है ना ऑटोमेटिक डोर सिस्टम जो है ना वो क्लोज हो गई है, और यहाँ से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है अपनी ट्रेन का अब बारी है यहाँ से डिपार्चर होने का ना मनोज। तो मिलते हैं सीधे आपको डिपार्चर पे। A few moments later. फाइनली अपनी ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी सर जो है ना हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी पटना जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ऑरेंज वंदे भारत पटना की तीसरी वंदे भारत, और ये अपनी अयोध्या पटना से पहले। बाकी लोगों का भीड़ देखो भाई
देखो भाई भी, और इसी स्टेज के द्वारा सभी रेलवे स्टाफ यह देखो भाई, और यहीं से हमारी ग्रीन फ्लैग दिया गया है। अपनी बंदे बात का जो है ना ग्रीन सिग्नल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो डिपार्चर हो चुका अपनी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से, देख लीजिए भाई। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, बाय बाय पटना जंक्शन। दोस्तों पटना जंक्शन से अपनी ट्रेन निकली और सामने देखो भाई इंडिगो जा रहे, क्या सीन है भाई। बाकी यहाँ पे सर सबको जो है ना मीडिया का जो है ना वो पास दे रहे हैं, देख लीजिए जितने भी ब्लॉगर और सभी को जो है देख लो भाई, उत्साह देखो। ये देखो भाई पटना गोमती नगर इनॉग्रल पास अपने, ये वंदे भारत का भाई स्पीड देख लो भाई, पूरे 128 127। ये होती है भाई एक्सेलरेशन। वो देखो भाई इंडिगो ट्रेन निकलते ही हम लोग को 1 लीटर का रेल नील पानी का बोतल सबको सर्व किया जा रहा है, देख लीजिए अपनी इस ऑरेंज बंदे भारत में। बाकी पानी बोतल के बाद निकलते ही यहाँ पे सबकी ट्रेन निकलते ही सबको यहाँ देख लीजिए मैंगो जूस जो है ना वो सर्व की जा रही है सबको, एक एक मैंगो ड्रिंक वो भैया दे रहे हैं IRCTC। बाकी रेल नील पानी बोतल के बाद हम लोग को मैंगो ड्रिंक के बाद यहाँ पे अपनी कॉफ़ी चाय बनाने के लिए यहाँ पे कप दिया जा रहा है। थैंक यू। अभी बीटा स्टेशन को जस्ट स्किप किया और उसके बाद सभी को जो है ना यहाँ पे स्नैक्स बॉक्स जो है ना वो सर्व की जा रही है अपनी अमृत ऑरेंज वंदे भारत में। थैंक यू। ये देखो भाई वंदे भारत ऑरेंज कलर का ऑरेंज स्नैक्स बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को सर्व की गई है। बाकी जैसे अनबॉक्स की जाए देख लीजिए भाई, यहाँ पे बिकाजी का जो है ना भुजिया का पैकेट दिया है बड़ा सा, उसके साथ यहाँ पे एक केक भी दिया गया अपनी जिंगल्स का, और उसके साथ एक छोटा सा समोसा जो कि एक ही बार में खा लिया। इसके साथ इस कप के टी कैट दिया गया है चाय बनाने का, तो चलिए इसको टेस्ट करके बताते हैं। बाकी ये चीज़ आपको पहली बार देखने को मिला है कि वंदे भारत के स्नैक्स के बाद अलग से जो है ना वो फूड आइटम दिया जा रहा है, वो भी नमकीन वगैरह, देखते हैं क्या है। नमकीन दिया जा रहा है, वाह देख लो भाई मकराना है जो कि इसको। आपको पता ही है कि बीटा से निकलने के बाद हम लोग को जो है ना रेल नीर पानी बोतल किया, उसके बाद मैंगो जूस, उसके बाद टी बनाने के लिए चाय का कप दिया गया। अब जिस बारी है इस चीज का जो है ना स्नैक का रिव्यू देने का, तो आपको पता ही है उसमें दिया था बिकाजी का भुजिया, वो अनबॉक्स करने वाला नहीं था, उसको पॉकेट में था तो रख दिया, उसको मकराना मिला था, उसके बाद ये जिंगल्स का केक मिला था, उसके बाद मैंगो जूस, तो चलिए मैंगो जूस तो पीता, उसके बाद एक छोटा सा कचड़ी समोसा दिया गया, चलिए इसका टेस्ट करके बताता है आपको कैसा है भाई। सही है इनॉग्रल के दिन जो मिलता है ना वंदे भारत का उसका टेस्ट तो कुछ अलग ही होता है, बाकी कमर्शियल में इससे भी बेहतर मिलता है। चलिए फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे। हाइट एंड ब्रिज को क्रॉस करिए, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। कोइलवर ब्रिज, तो स्वागत है आप सभी का बिहार के अपनी आरा जंक्शन फर्स्ट स्टॉपेज पे हो। आरा जंक्शन में आपका स्वागत है। फाइनली अपनी डोर इज ओपन हो गया भाई आरा जंक्शन। लेट गेट, पटना से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके अपनी इस ट्रेन की पहली स्टॉपेज यानी बिहार के आरा जंक्शन, जहां से हमारे भोजपुरी के सुपर स्टार अपनी पवन सिंह का होम टाउन है। जब भी आए तो पवन सिंह सुपर स्टार से जरूर के, बाकी 2 मिनट का होल्ड है, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, चलते हैं अंदर वरना रह जाएंगे बाहर। बाकी फाइनली 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का ऑटोमेटिक डोर हो गया क्लोज, अब चलिए यहाँ से देखते अपनी आना जंक्शन से डिपार्चर। ऐसा भीड़ नहीं देखा होगा भाई, और आना के लोगों में चोर देखो भाई अपनी ट्रेन मतलब निकलते ही, वाह दोनों तो प्लेटफॉर्म पे भीड़ ही भीड़। बाकी देख लीजिए हमारे IRCTC के भैया जो है ना आ गए अपने लेके जो टिकट जो टी बनाना है ना चाय उसके लिए कॉफ़ी के लिए यहाँ पे टिकट लेके आ गए। ये हो महाराज, और ये देखिए भाई उसके साथ चम्मच, अब इसको गर्म पानी आएगा उसको इसमें बनाया जाएगा। थैंक यू भैया जी। चलो जी अपना आ गया कॉफ़ी बनाने के चाय बनाने के लिए अपनी गर्म पानी जो भैया दे रहे हैं। बाकी लीजिए जी भैया जो है गर्म पानी डाल रहे हैं। थैंक यू। अब चलिए जी इसको रख लेते हैं यहाँ बनाया गया, अब इसको मिलाते हैं फिर टेस्ट करके बताते हैं कि कॉफ़ी और चाय का टेस्ट टेस्ट करने का, तो चलिए इसको फाड़ते हैं। लो जी टिकट फट गया, अब इसको जो है ना इसमें इसको मिलाया जाएगा। ऑरेंज वाले चाय बना रहे हैं, इसको ऐसे घोला जाए
कैसा लग रहा? मजा आया ना ट्रेन की पेंट्री से? हमें तो भाई बहुत अच्छा लगा था। ट्रेन हमारी बक्सर में राय बोल रही है और देख लो भाई गेट पे और बक्सर में भी काफी सारा लोग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। चलो पटना से 105 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके अपनी इनॉग्रल जर्नी के सेकंड स्टेशन पे बिहार के अपनी बक्सर रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है BXR और यहाँ भी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का ऑट है और लोगों में क्रेज देखो भाई। चलो चलते हैं अंदर वरना रह जाएंगे ऑटोमेटिक ड्योर सिस्टम में रह जाएंगे बाहर। चलो चलते हैं बक्सर रेलवे स्टेशन से। बाकी यहाँ भी कार्यक्रम हुआ था देखा जी। बाकी बक्सर में क्रेज देखो भाई पब्लिक के अंदर। अपनी ट्रेन सेकेंड स्टॉपेज बिहार के अपनी बक्सर रेलवे स्टेशन से निकल चुका और आज इस ट्रेन के इनॉग्रल में केवल 5 स्टॉपेज दिए गए हैं। अपनी पटना से निकलने के बाद इसका आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसको मुगल सराय, फिर उसके बाद अपनी बनारस, उसके बाद अपना श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या फिर और उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन के बीच। फिलहाल इस वक्त ट्रेन अपनी उत्तर प्रदेश की दीनदयाल नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो है ना रुकी है। यहाँ ऑफिशियल स्टॉपेज है नहीं बट सिग्नल नहीं होने के कारण जो है ना यहाँ पे सीधे अपनी ट्रेन का मुगल सराय दिया गया था। लेकिन देखो और यहाँ से हाल ही में एक इनॉग्रेशन हुआ था अपनी टाड़ीघाट वो जो है ना गाजीपुर सिटी के लिए न्यू लाइन। बाकी देखो यहाँ से सीधे मिलते हैं सीधे आपको मुगल सराय। लो जी दिलदार नगर जंक्शन से भी अपनी ट्रेन का फाइनली अपनी ट्रेन दिलदार नगर जंक्शन को भी जो है ना वो क्रॉस कर रही है। वैसे स्टॉपेज था नहीं बट 5 मिनट के लिए मुश्किल से रुका गया था शायद वेलकम के लिए लेकिन स्टॉपेज है नहीं भाई। निकलते ही प्लेटफॉर्म से देखो भाई ऐसे रेशन वंदेवाद का ये होती है भाई वंदेवाद की। पटना अयोध्या लखनऊ वाले में अपने साथ आज BSONU ब्लॉग के अपने मोनू भैया भी ट्रैवल कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया अपनी अयोध्या जाने के लिए? अब आसान हो गया है ना? बढ़िया है, बढ़िया है गाड़ी। अयोध्या के लिए सुबह 6:05 में बैठिए, 12:15 पे अयोध्या पहुँच जाइए। कम समय में अगर से शाम में रिटर्न हो जाइए 5:15 में गाड़ी है, रात में पहुँच जाइए सेम डे में पटना, मतलब दर्शन करने के बाद वापसी है ना। बढ़िया। बाकी मोनू भैया अच्छा लगा मिलकर? अच्छा लगा। बाकी मोनू भैया भी इस ट्रेन में आज इनॉग्रल में अपने साथ इंदर जीत भाई भी ट्रेवल कर रहे हैं हमारे फाजी भाई है ना। कैसा लग रहा है? आप तो बहुत दूर से आपने बिहार आखिर क्या चीज़ की श्री राम की? लोग यही बोल रहे हैं कि राम सबसे दूर से आए हुए बस श्री राम की जन्मभूमि के लिए इस वंदेवाद को कैप्चर करने के लिए बस वैसे हम आया था क्योंकि ये गाड़ी काशी को बनारस से जोड़ रही है ना। वैसे हम लोग निकलने वाले थे देहरादून वाले में ना। हाँ मेरा उसी में था और देहरादून वाली में लेकिन बट हम लोग क्या चीज करके आए श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के रास्ते जा रहे हैं इसकी है ना। हाँ क्योंकि ये मतलब यूपी बिहार को जोड़ने वाली पहली वंदेवाद था और पहली बिहार के ऑरेंज वंदेवाद। हाँ ऑरेंज वंदेवाद अच्छा लग रहा है ना मेरा भी बाकी अच्छा लग रहा है ना पाजी भाई बहुत एकदम मजा आ रहा है। बाकी चलिए जर्नी में कंटिन्यू बने रहिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ट्रेन। अपने इंटर करिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय के नाम से जाना और सामने निकल रही है नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय में हमारी ट्रेन इंटर कर रही है। बाकी यही है अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसको मुगल सराय के नाम से और यही है एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड। बाकी हर गेट पे प्लेटफॉर्म आने से पहले ब्लॉगर पहले ही गेट को कैप्चर कर ले रहे हैं। लो जी ट्रेन अपनी पहुंच गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसको मुगल सराय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पटना से 210 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके हैं इस ट्रेन की थर्ड स्टॉप उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बोला जाता है और एशिया का यही है सबसे बड़ा मार्शलिंग रेलवे यार्ड जो कि काफी गुड्स ट्रेन जो है ना वो यहाँ पे होती है। बाकी यहाँ भी अपनी ट्रेन का जो है ना 5 मिनट का जो है ना हॉल्ट दिया गया है। बाकी चलिए इस पार्ट वन जर्नी कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइए। जो इस इनॉग्रल जर्नी का पार्ट वन कमेंट यहीं करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो भी एक्सपीरियंस था स्नैक्स से लेकर आपको सब चीज़ मैंने दिखाया। अब बारी है यहाँ से पार्ट टू की जो है ना वो जर्नी अपनी स्टार्ट करने की ऑरेंज वंदे बाद।